ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिमला में दिन दिहाड़े युवती से हुए दुष्कर्म को लेकर सोलन जिला कांग्रेस कमेटी सुर्ख नजर आई। जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश सरकार को जमकर कोसा और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने का दबाव भी बनाया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिव कुमार और शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त सोलन विनोद कुमार के माध्यम से राष्ट्रपति को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा। शिमला में दिनहाड़े युवती से हुए दुष्कर्म को लेकर सोलन जिला कांग्रेस कमेटी सुर्ख नजर आई है। जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश सरकार को जमकर कोसा और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने का भी दबाव बनाया है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिव कुमार और शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त सोलन विनोद कुमार के माध्यम से राष्ट्रपति को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आज प्रदेश में बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, उनके साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला रही है। उन्होंने कहा कि शिमला जहां मुख्यमंत्री स्वयं रहते हैं, जहां आईजी मुख्य सचिव और होम सेक्रेटरी शिमला बैठते हैं, वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद नहीं है। आज सोलन जिला कांग्रेस कमेटी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ माननीय जिलाधीश महोदय के थ्रू महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन दिया है। हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस ने कोई दिलचस्पी नहीं ली और उसके बाद सरकार ने जो इस बारे में अभी तक नाकाम रही है, उनके दोषियों को ढूंढने के बारे में हमने राष्ट्रपति महोदय से ये प्रार्थना की है कि सरकार को तत्काल भंग किया जाए। हमारे मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिमला में बैठते हैं, मुख्य सचिव जो हैं सरकार के वो शिमला में बैठते हैं, डीजीपी वो वहाँ बैठते हैं, होम सेक्रेटरी वो शिमला में बैठते हैं, उसके बावजूद वहाँ इस तरह की घटना हो जाए तो आम गांव में किस तरह से सुरक्षा, महिलाएं किस तरह से सुरक्षा महसूस करेगी। हमने ये राष्ट्रपति महोदय से ये प्रार्थना की है कि सरकार जो है नाकाम है, बेबस है, इस सरकार को तत्काल भंग किया जाए। बड़ा दुख का विषय है, जहाँ एक तरफ पूरा देश चुनाव के महान उत्सव में भाग ले रहा है, वहीं हमारी राजधानी शिमला के अंदर एक लड़की का रेप हो जाता है। बड़ी ही दुखद घटना है और वो भी एक ऐसी जगह जहां पर सभी वीआईपीज रहते हैं, वहां पर कानून व्यवस्था किस हाल में है ये हम सब के सामने है। जबकि उस लड़की ने जाकर पहले कंप्लेंट भी करवाई और कंप्लेंट कराने के बाद भी उसे टाल दिया गया कि वो उस अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। आप ये मुझे बताइए कि क्या भारत में रहने वाला अगर कोई किसी की समस्या में दूसरी जगह फंस जाता है तो वो क्या उसके अधिकार क्षेत्र में ना होकर पुलिस इस बात को टाल सकती है? ये बहुत ही निंदनीय काम किया है और इसके लिए जयराम सरकार जिम्मेवार है और हम चाहते हैं कि इस सरकार को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए